वेलकम बैक सो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डी एम एल क्वेरीज़ को तो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में जो चीज़ें आपको छोड़ी हुई थी कि कैसे हमें डी डी एल पर वर्क करना है और उसके बाद हम जैसे ही हम जम करेंगे डी एम एल पर तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डी एम एल क्वेरीज़ के बारे में बताऊँगा थोड़ा थोड़ा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि जब हम बात करते हैं डी डी एल और डी एम एल की तो दोनों में एक्चुअल डिफ्रेंशिएट और अगर हम एक्चुअल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं तो so, यहाँ पर डी एम एल क्वेरीज की जो मैं बात कर रहा हूँ एट आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्रिएशन तो एब्रुएशन के तौर पर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है और मैनिपुलेशन का मतलब है कि यानी कि हम टेबल के अंदर का जो हमारा इंफॉर्मेशन है जो हमारा डेटा है हम उसको अपडेट कर रहे हैं हम उसको उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं टेबल के अंदर हम पर्टिकुलर टेबल के अंदर के डेटा को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं और हम उसको डिलीट कैसे कर रहे हैं तो ये चार कमांड्स जो हैं ये यह यहाँ पर मैंने बताई हुई है तो जब हम इनकी बात करते हैं अपडेशन की इंसर्शन सिलेक्शन एंड डिलीशन तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो सिलेक्शन का आता है ये सब कमांड्स क्वेरीज़ मैंने आपको पहले के वीडियोस में कवर की हुई हैं इस वीडियो में बस बताने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको एक्चुअल पता लग जाएगी कि आप अगर आप सेलेक्ट कमांड डिलीट या इंसर्शन कमांड कर रहे हैं तो आप एक्चुअल में कौन से लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो अभी हम डी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो डी के अंदर जो हमारी सेलेक्ट कमांड है उसका सिंटेक्स होता है सिंपल सेलेक्ट कॉलम नेम वन एंड कॉलम नेम टू यानी कि हम कॉलम नेम दे रहे हैं उसके बाद फ्रॉम दिस टेबल उस टेबल का नाम अब सिंटेक्स के बाद जब हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको सिलेक्शन का बताया था कि सिलेक्शन तीन तरीक़ों से कर सकते हैं होल टेबल पर्टिकुलर कॉलम एंड पर्टिकुलर रोज और सेम एज इट इज़ मैंने उन कमांड्स को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था होल्ड टेबल पर्टिकुलर कॉलम एंड जो हमारा पर्टिकुलर रोज है वो हम ऐसे हम कमांड्स uh, को परफॉर्म कर सकते हैं तो ये हमारा बेसिकली सिलेक्शन वाला पार्ट है जब हम इंसर्शन पे आते हैं तो इंसर्शन का जो सिंटेक्स है वो बहुत ही सिंपल है इंसर्शन यानी कि इंसर्ट इन टू टेबल नेम जितने भी कॉलम्स हैं उनके पर्टिकुलर नाम कॉलम नेम वन कॉलम नेम टू थ्री एंड सो ऑन उसकी उनकी वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है तो मैंने आपको यह भी बताया था पहले कि जो हमारे इंसर्शन मेथड्स हैं वो तीन तरीके से हैं एक तो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज इंसर्ट करा रहे हैं और जब हम इस डायरेक्ट मेथड के बाद सिक्योर मेथड में आते हैं तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट जिसमें हम कॉलम का नाम लिख रहे हैं ब्रांच नेम रोल नंबर और उसकी वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं दैट इज़ सिक्योर मैथड और उसके बाद मल्टी वैल्यू मैथड में हमने बताया था कि किस तरीके से आप यहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्डर में रखें ना रखें इट डजेंट मैटर बट आपको वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करानी है तो आप मल्टी वैल्यू मेथड से कर सकते हैं तो ये हमारा इंसर्शन मेथड था अब जब मैं बात कर रहा हूँ अपडेट रिकॉर्ड की तो रिकॉर्ड अपडेट करना है टेबल के अंदर तो ये बहुत ही सिंपल है यानी कि हमें अपडेट टेबल का नाम देना है सेट करनी है वैल्यूज़ को और क्लॉज कंडीशन के हिसाब से हमें उसको परफॉर्म करना है तो दिस इज द एक्चुअल सिंटेक्स ऑफ अपडेशन अब इसको हम प्रैक्टिकली ये भी मैंने आपको पहले कवर कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें तो आप देखेंगे अपडेट सी एस सी ये हमारी टेबल थी इस टेबल के अंदर हमें सपोज एज सेट करनी है तो हम क्या करेंगे अपडेट सी एस सी सेट यानी कि अपडेट टेबल का नाम सेट क्या सेट कर रहे हैं एज इज इक्वल टू फिफ्टी होनी चाहिए वेयर कहाँ पे कंडीशन क्लॉज है वेयर ई मेल इक्वल टू ए बी सी जहाँ पर ई मेल होगा तो वो क्या कर देगा इस एज को फिफ्टी कर देगा तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये मेरी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूटेड है अब ये एग्जीक्यूशन के बाद जब मैं इसको चेक करूंगा सिलेक्शन के साथ तो यहाँ पर यश एज फिफ्टी के साथ ये मेरी अपडेशन क्वेरी सक्सेसफुली डन हो जाएगी तो ये मेरा अपडेशन का सेक्शन है अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक दिमाग में एक चीज़ और आती है कि कैसे रिकॉर्ड को डिलीट करना है अब रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर कंडीशन जहाँ पर कंडीशन है उस कंडीशन को देते हुए हम उस टेबल में से डेटा को डिलीट करना है तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सी एस सी टेबल का नाम सी एस सी है मैंने पहले डेटा निकाल लिया यहाँ पर नेम यश रैना कुमार उनके ई मेल्स हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे कुमार नाम का जो डेटा है नाइन्टी एज और उसकी ई मेल इस सारा का सारा ये सेक्शन ये जो रो रो है वो डिलीट हो जाए तो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम सी एस सी टेबल का नाम फेयर नेम इज इक्वल टू कुमार यानी कि जहाँ पर कुमार जो भी नाम लिखा है तो वो एंट्री डिलीट कर दीजिए तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा क्वेरी ओके okay है तो ये क्या कर देगा कुमार एंट्री यहाँ पर डिलीट हो जाएगी तो इस तरीके से ये चार मैंने आपको जो बताए हैं कमांड्स प्रॉपरली अपडेशन डिलीशन और आपका इंसर्शन तो ये आप सभी कमांड बहुत इजी हैं आप एक बार एस पर इनको चला कर देखें तो इस वीडियो के थ्रू मेरा डी और डी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है अगर आपको कुछ भी डाउट है कहीं भी किसी भी क्वेरी को अगर आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप उस क्वेरी को स्पेसिफिकली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो